नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। बेबी फ्रॉक के सेकंड पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में सभी फंदों में, लास्ट फंदे को छोड़कर सभी फंदों में एक से दो फंदे कर लिए थे, और इस समय हमारे पास 175 स्टिचेज हैं, 175 स्टिचेज हैं। तो अब हमने दूसरे कलर का धागा अटैच कर लिया है, और अब हम प्रत्येक फंदे को सिलाई में दो बार लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा, दो बार लपेटा और सीधा। तो प्रत्येक फंदे को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो मैं सारा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेट कर सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गए हैं। अब हम वापस पहले फंदे के पास आ गए हैं। तो अब पांच फंदों को हम खोलेंगे, चार पांच, और पांचों को एक साथ लेंगे और पांचवें की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उनको सिलाई पे ऐसे चढ़ाएंगे, फिर इसी में एक और सीधा फंदा, फिर उनको सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर एक और फंदा, यानी पांच से हमने पांच फंदे बनाए। नेक्स्ट पांच फंदे खोलेंगे, पांच, और फिर पांच से पांच सीधे फंदे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। नेक्स्ट पांच फंदे खोलेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, और पांचों से पांच फंदे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। नेक्स्ट पांच फंदे खोलेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पांच फंदे से पांच फंदा बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो इसी तरह करते हुए हमें पांच पांच फंदे खोलने हैं और पांच फंदे से पांच फंदा बना लेना है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच पांच फंदे को खोलते हुए और पांच से पांच फंदे बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे अब हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे, और कलर अटैच करने के बाद सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। दो बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया, दो बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया। तो हमें प्रत्येक फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है, दो बार ऊन लपेटना है और सीधा बुन लेना है। इसी तरह करते हुए प्रत्येक फंदा बुन लेना है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधे बुन लिए गए हैं, और अब हम फिर शुरुआत में आ गए हैं। तो पांच फंदे हम खोलेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँचों को एक साथ लेते हुए पांच से पांच फंदे बना लेंगे। नेक्स्ट पांच फंदे खोलेंगे, और पांच से पांच फंदे बना लेंगे। तो ये जो फूल है, इसी के ऊपर ऐसे फूल बनता चला जाएगा। पांच पांच फंदे हमें खोलने हैं और पांच के ऊपर पांच फंदे बना लेते हैं। देखिए, इसी पे हमने इन्हीं पांच फंदों पे पिछले लाइन में भी हमने बनाए थे, यानी फूल के ऊपर ही हमें फूल बनाना है।
इसी तरह हम चाहे तो कई कलर में, चाहे तो जितने कलर में चाहे ऐसे लगाते हुए हमें 18 सेंटीमीटर तक कंप्लीट करना है। तो 18 सेंटीमीटर तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 18 सेंटीमीटर के आसपास बुनाई हो चुकी है। तो मैंने इसमें 3 रंग लगाया है, आप इसमें चाहें तो अधिक रंग या कम रंग भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये लास्ट लाइन है, तो हम 5 फंदे खोलेंगे। और अभी तक हमने 5 से 5 फंदे बनाए थे और अब हम 5 से 7 फंदे बनाएंगे। 1, 3, 5 उनागे किया और एक बार और सीधा बुना, तो ये 7 फंदे हो गए। नेक्स्ट खोलेंगे और फिर हम 5 से 5 फंदे बना लें, सॉरी 5 से 7 फंदे बनाएंगे। थोड़ा लंबा लूप लेंगे आगे किया और ये 7। तो अब हम लास्ट लाइन में प्रत्येक 5 फंदों में 7 फंदे बनाते हुए अंतिम लाइन कंप्लीट करेंगे। तो आपको हम मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लूप को ऐसे थोड़ा खींच के लंबा करना है। पांच लूप खोलना है और ऐसे थोड़ा खींच खींच के लंबा करना है। तो मैं आपको लास्ट लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 फंदे बनाते हुए मैंने लास्ट लाइन कंप्लीट कर ली है और अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने की वही विधि है, हम एक एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते चले जाएंगे। एक एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते चले जाएंगे। देखिए फंदे घटने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे घटा लेंगे। तो फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद किए जा चुके हैं और अब हम इसको धागे को ऐसे खींचेंगे और काट लेंगे और इसको अंदर की तरफ कर देंगे। और इसके साथ ही हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। इसमें हमें कहीं भी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और देखिए, और यहाँ पे हम एक फूल लगा लेंगे।
पीछे की तरफ हमें बटन लगा लेना है और धागे को अंदर कर लेना है। इसके साथ ही हमारा ये बेबी फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।